वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइज. आई एम श्योर यू गाइज ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक. और आज हम करने वाले हैं फ्रंट किक का ट्यूटोरियल, जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है. और ये आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में कि कितनी खतरनाक है फ्रंट किक मार्शल आर्ट्स में. ताइक्वांडो में भी यूज़ होती है, मय थाई में भी यूज़ होती है, कलरी पैटू में भी यूज़ होती है, कराटे में भी यूज़ होती है. इस किक का यूज़ हर एक आर्ट में है. और ये किक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, जैसा कि आपको पता चल गया होगा. बस आप इसको करना सीख लो. मैं आपको इसके बेसिक्स के बारे में बताऊँ, उससे पहले मैं अपना गेटअप चेंज करता हूँ, क्योंकि आज का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ मार्शल आर्ट्स की ड्रेस में. और ये रही ड्रेस, तो मैं गेटअप फटाफट चेंज करता हूँ. तो मार्शल आर्ट्स की सबसे खतरनाक किक्स में से आज एक किक का हम ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं. जैसा कि आप कमेंट्स में कहते हैं कि ऋषभ सर आप हमें ट्यूटोरियल्स में बताइए डे बाय डे क्लास कैसे करना है, तो हम वैसा ही कर रहे हैं. जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आई कॉन्टैक्ट कैसे करना है, उससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था स्किपिंग ट्यूटोरियल, वैसे ही आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रंट किक के बारे में. बेसिक टू एडवांस तक हम जानेंगे, सारे वेरिएशंस के बारे में जानेंगे. हालांकि फ्रंट किक के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, लाइक आउट टू इन हो गया, इन टू आउट हो गया, उसका ट्यूटोरियल हम किसी और वीडियो में करेंगे. इसमें हम स्टेपिंग ले लेंगे और हाई किक और उसके क्या क्या मतलब है, कब कब आप इसको हिट कर सकते हैं, कैसे जानेंगे कि आपकी किक अभी परफेक्ट हुई है या फिर नहीं हुई. इस किक को सीखने से पहले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको ये देना चाहूँगा कि इस किक को करने से पहले आपकी स्ट्रेचिंग ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और ऋषभ सिंह आई एम यूट्यूब चैनल पे आपको दो तीन ट्यूटोरियल वीडियो ऐसी मिल जाएंगी जिसमें स्ट्रेचिंग कैसे ओपन करें वो देख लीजिए. जैसे ही स्ट्रेचिंग ओपन होती है आप इस किक की प्रैक्टिस करें. और ऐसा भी नहीं है यार कि स्ट्रेचिंग ओपन नहीं है तो आप ये किक नहीं कर सकते. देखो बेसिकली करना क्या है, हमें स्ट्रेच करना है, तो या तो तुम स्ट्रेचिंग खोल लो उसके बाद प्रैक्टिस करो, या फिर करते करते ही स्ट्रेचिंग खोल लो. दोनों चीज़ें हो सकती हैं. हालांकि अगर आप स्ट्रेचिंग खोल लेते हैं तो किक में बहुत ज़्यादा शार्पनेस आ जाएगी, बहुत अच्छी किक लगेगी और इसके बाद आप अच्छे से हिट भी कर पाएंगे. तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं. आप चाहें तो वो वीडियो देख लो, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसी में मैं आपको सिखा दूंगा वीडियो में बेसिक टू एडवांस किसी का जबड़ा कैसे उखाड़ें अपनी किक से. फ्रंट किक करते समय सबसे पहली जो हमें बात याद रखनी है वो ये है कि हमारा प्रॉपर वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है. वार्म अप होना लाइक आप रनिंग कर सकते हैं, और अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनली वार्म अप करना चाहते हैं तो मेरी ये वाली वीडियो आप ज़रूर देखिए. इसमें मैंने आपको बताया कि वार्म अप परफॉर्म कैसे करना है. अगर आप वार्म अप नहीं करते हैं तो आप किक उठाते टाइम या तो गिर सकते हैं या फिर कोई नस आपकी ऐसी चढ़ जाएगी कि आप 6-7 दिन के बेड रेस्ट में चले जाएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में और बहुत सारे कामों में नुकसान हो सकता है. मार्शल आर्ट्स में कोई भी किक सीखने से पहले हमें सबसे पहले सीखना ज़रूरी है उसका स्टैंस. अगर आपने किसी भी फॉर्म का प्रॉपर स्टैंस सीख लिया तो समझो 30% क्लियरेंस तो आपका पहले ही हो गया. तो फ्रंट किक का स्टैंस क्या है मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले स्टैंड बाय, उसके बाद शोल्डर जितना गैप लीजिए पैरों में. साइड से मैं आपको दिखाता हूँ स्टैंड बाय. तो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं हम अपना ग्राउंड, और ग्राउंड में क्लियर करना है हमें सबसे पहले शोल्डर जितना स्पेस लो आप. उसके बाद पैर को सीधा पीछे लेके जाओ, ठीक है. अगर आप उसको थोड़ा सा भी टिल्ट करते हो इस तरफ या फिर किस तरफ, तुरंत किक का पोजिशन चेंज हो जाएगा, किक चेंज हो जाएगी. क्योंकि एक राइट किक के लिए राइट स्टेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्शल आर्ट्स में. तो आपने सबसे पहले ओपन करना है, देन बैक स्ट्रेट एंड एंड सेट. उसके बाद जस्ट सामने से देख लो आप एक बार, ओपन बैक, ये हो गया राइट किक के लिए. तो राइट लेग स्टेबल किया, उसी तरीके से हमें अपना लेफ्ट भी करना है, शोल्डर जितना गैप एंड देन बैक बिल्कुल स्ट्रेट. इस तरफ से देखेंगे ओपन एंड बैक. अब मैं आपको बता दूँ कभी भी सिर्फ एक पैर से किक मारना नहीं सीखना है, कभी भी एक हाथ से पंच मारना नहीं सीखना है. मार्शल आर्ट्स में दोनों पैरों का और दोनों हाथों पैरों का यूज करना है. क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ राइट से ज़्यादा लेफ्ट में पावर होती है. लेफ्ट का हम कभी भी यूज नहीं करते. अगर हम लेफ्ट और राइट दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना सीख जाते हैं तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता, एंड दिस इज डिक्लेयर्ड. तो हमारा 30% क्लियर हो गया ग्राउंड क्लियरेंस, जिसमें हमने सीखा ओपन योर लेग्स बैक एंड रेडी फॉर द स्टैंड्स. अब हम सीखेंगे मिडिल लाइन. मिडिल लाइन में हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले जो हमने सीखा ओपन योर लेग्स किक बैक, किक को मिडिल में लेके जाएंगे. धीरे धीरे हमें किक को उठाना सीखना है. इसके लिए हमें क्या करना है, ओपन योर लेग्स बैक एंड किक को फेंको पूरा स्ट्रेट. देखो किक एक ही बार में यहाँ तक नहीं जाएगी, हमें उसको धीरे 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 यहाँ तक लेके जाना है. और किस राइट डायरेक्शन में लेके जाना, हमें पैर को बिल्कुल भी बैंड नहीं करना है. हमें जितना चाहे भले ही इतना जाए लेकिन उसको स्ट्रेट फेंको. धीरे धीरे स्ट्रेचेस होने लगेगी तो किक अपने आप ऊपर की तरफ उठने लगेगी, लेकिन पैर को बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करना है, स्ट्रेट पैर देना है. और ये पैर ऊपर फेंकते टाइम
इस पैर को ऊपर नहीं उठाना है, अदरवाइज ये देखो क्या हो सकता है। पैर को बिल्कुल जमा के रखो इसको, क्योंकि इस पैर से ही सारा बैलेंस रहेगा, ये पैर ट्रिक देगा ऊपर की उठाने में। उसके बाद स्ट्रेट फेंको पैरों को, लाइक फ्रंट, पैर को जमा दो इसको, वन बैक टू बैक, तुरंत लेग चेंज करो, ओपन देन चेंज, तो वन बैक टू बैक थ्री एंड 60% में हमें करवाया गया पोजिशन दो, और दोनों पैर से पोजिशन को चेंज करके 50-50 किक्स एवरी डे परफॉर्म करो। क्योंकि ये इतनी खतरनाक ठीक है, अगर आपने पूरी मार्शल आर्ट्स में ये ठीक भी मास्टर कर ली तो आप दो तीन लोगों के जबड़ों की लोकेशन चेंज कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले आप परफॉर्म करो वन, और हाथों को इस डायरेक्शन में ही रखते हैं, टू थ्री स्ट्रेट रखो पैर को, बिल्कुल स्ट्रेट, चाहे थोड़ा उठे लेकिन स्ट्रेट रखो, फोर फाइव सिक्स सेवन एट। उसके बाद अपने लेग को चेंज करो वन, अब लेफ्ट लेग से आपको सेम परफॉर्मेंस देना है, पैर को स्ट्रेट पीछे वाले को। ये पैर मैं आपको बता दूँ, इस पैर को जितना ज़्यादा टफ रखोगे आपकी पोजीशन कभी भी नहीं बिगड़ेगी, बस इस पैर को बिगे बन देना, लाइक वन बैक टू बैक थ्री बैक फोर बैक। और दूसरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़, आप पैर को उठाओ और वही रखो जहाँ से आपने उठाया था, ऐसा नहीं कि पहला पैर जैसे ज़्यादा पीछे कर दोगे तो भी उठेगी ही नहीं। आपको एक पोजीशन सेट करनी है कंफर्टेबल, उसके बाद पैर उठाओ और वहीं पे रखो, इतना फोकस में रहना है, लाइक वन बैक टू बैक थ्री बैक फोर बैक, ऐसे 50 इस लेग से, देन चेंज करके 50 इस लेग पे आपको परफॉर्म करना है, और आपकी 60% की कंप्लीट हो जाएगी अंडर वन मंथ और 20 डेज। अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो 10 दिन में आपकी मिडिल किक परफेक्ट हो जाएगी। अब 30% हमने फर्स्ट ग्राउंड कंप्लीट किया, 30% मिडिल कंप्लीट किया, हमारा 60% की कंप्लीट है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 30% मोर हाई लैंड किक के बारे में, तब हमारा 90% कंप्लीट होगा। और लास्ट का जो 10% है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांस, क्योंकि किक को करने से ही मतलब नहीं है, फाइट में यूज कैसे करना है, एडवांस तरीके से हम कैसे परफॉर्म करें। सो सबसे पहले हमें पोजिशन लेना है, देन लेग बैक, उसके बाद हैंड सेट, इस पैर को टफ रखना है, इसको विंग में नहीं देना है, ये पूरा बैलेंस है बॉडी का, क्योंकि ये पैर तो रियर में होगा तो जितना भी बैलेंस बनेगा वो इस पैर से बनेगा। तो राइट वन टू, अब आपने 20 दिन प्रैक्टिस की, अब धीरे धीरे पैर आपका उठने लगेगा। हमारा बेसिक एम है कि हम अपनी टिक को अपने सर से ऊपर निकालें, वन बैक टू बैक, इस पैर को उठाना नहीं है, वन बैक टू बैक थ्री बैक, और जहाँ से उठाओ पैर वहीं रखो। एक चीज़ और बताता हूँ, हमेशा सामने फोकस बना के रखो, ऐसा नहीं है जहाँ किक जा रही है वहाँ आपका सर भी जा रहा है, आपका सर स्ट्रेट होना चाहिए और किक उसके साथ वर्क करनी चाहिए, लाइक पार्क सर नहीं हिलेगा, टू बैक, और जहाँ से उठाओ वहीं रखो, थ्री बैक, उसके बाद लेग चेंज, वन बैक टू बैक थ्री बैक फोर बैक फाइव बैक, देन रिलैक्स। आप बीच बीच में थोड़ा रेस्ट भी करो, 50 किक करो या फिर 20-20 के तीन रेपिटेशन निकालो, डायरेक्टली 60 कर दो। तो अभी हमारा 90% क्लियर है, क्योंकि हमें धीरे धीरे किक उठाना आ गया है, पैर को स्ट्रेट रखना। और इसमें दो किक्स होती है, एक तो फिर इसको हम पंजे से पुश करते हैं, लाइक हमने उठाया और थप्पड़ मारा, ये हमारा फ्रंट किक है। इसी में दूसरा होता है कि हम अपनी हील आगे कर देते हैं, ये पुश किक होती है, ये फ्रंट किक नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंस हमेशा करके रखना। अब देखो हमारा ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट है, इसमें कि हमें पैर जमा के अपनी हाई लाइन किक उठाना आ गया है, वन देन टू, उसके बाद पोजिशन चेंज, बात टू थ्री, अब इस किक को उठाएंगे और मुंह पे मारेंगे। देखो अभी हमारा बेसिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ताकि आपको देखो फर्स्ट हमने पोजीशन बनाना सीखा, उसके बाद शिफ्ट करना सीखा, उसके बाद किक को पुश करना सीखा, अब हमारी किक हाईलाइन दिखने लगी है। अब हाईलाइन में हमें करवा गया, हाईलाइन में फेस तक जाएगी और स्लैप मार के नीचे आएगी। अब ये तो हो गया बेसिक्स कि जहाँ से उठाओ वहीं रखो, लेकिन फाइट में जहाँ से उठाएंगे वहाँ तो नहीं रखेंगे। उसके बाद फाइट के लिए आप पोजीशन लो, ठीक है। अब हमें करना क्या है, स्टेपिंग, सबसे पहले क्या, वन टू थ्री फोर, इस तरीके से हम सामने चलेंगे, वन टू, बैक भी कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। अब इसी सेम डायरेक्शन में हम अपनी किक उठाएंगे, लाइक वन टू थ्री फोर फाइव, देन बैक
उसके बाद हम फिर प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम मार्क से चलते चलते भी मार सके भी। 1, 2, 3 अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है पीछे लेके आएंगे तो बहुत नॉर्मली पंजे को रखना है ठीक है, और कभी भी पीछे झुक के किक नहीं मारेंगे, आगे चढ़ के किक मारेंगे। देखो सबसे पहली बात, पंजा नीचे लैंड होना चाहिए और बहुत ही सॉफ्टली, ना कि हे, इससे आपके घुटने में जर्क आ जाएगा या फिर हेड़ी भी खराब हो सकती है। सबसे पहले क्या करना है, जंप पोजिशन अप, 1, 2, 3 नॉर्मल, 4 मैं अब आपको बता रहा हूँ आपकी ऑलमोस्ट 95% की कंप्लीट है मार्शल आर्ट्स की फ्रंट किक। देखो हमारी ऑलमोस्ट 95% की कंप्लीट है। अब छोटे छोटे वेरिएशंस मैं आपको दे दे रहा हूँ, जैसे कि आपने स्टेप बाय स्टेप थी करी। अब जैसे मिडिल लाइन करना बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन हाई लाइन में आप कोशिश करें कि आप कोई टारगेट ले लें, कोई बॉटल बांधने अगर आपके पास तो पैड हो, या फिर अपना फेस किसी दीवार के सामने रखें, मतलब एक साई वहाँ पे बनाए, उसके बाद हाई लाइन की फेंके, जिससे आपको आसानी होगी क्योंकि जब हमारे पास टारगेट होता है तो ठीक बहुत अच्छी फिट हो जाती है। अब बाकी का जो 95% तो हम कर चुके, बाकी का 5% है उसमें है हमको तुरंत चेंज करना है। जैसे फाइट में पहली किक मारी, चेंज किया दूसरी बारी, उसके लिए हमें स्टाइल्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 फाइट के लिए ये स्टाइल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि कभी भी आपने देखा हो फाइटर्स जब फाइट करते हैं तो तुरंत स्टाइल चेंज करते हैं। 1, 2, 3 एंड 4 अब इसमें जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दिस इज द परफेक्ट फॉर्मेशन। और जब ये किक्स पड़ती हैं पंखे की तरह लगती है, उनका ब्लॉक भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, या तो गियर पीछे हटेगा या फिर अपना जबड़ा घुमा देगा। तो आप चाहे आर्ट के प्रैक्टिस में रहें, किसी भी आर्ट की प्रैक्टिस यार, चाहे आप फिल्मी प्रैक्टिस हो, मार्शल आर्ट्स की हो, किक बॉक्सिंग की हो, कराटे की हो, टाइकोंडो की हो, ये वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट डेंजरस किक में से एक है। और आई होप कि अब तक आप समझ चुके होंगे 100% कि आपको किक पे फॉर्मेट कैसे करना है। तो आज की किक का 100% ट्यूटोरियल आपके सामने है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो। और मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए। आई एम श्योर गाइज कि आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा क्योंकि आज का ट्यूटोरियल कम्प्लीट हो गया है। और जैसा कि आप कॉमेंट बॉक्स में कहते रहते हैं कि मार्शल आर्ट्स की सीरीज लेके आइए, बिल्कुल मैं मार्शल आर्ट्स की सीरीज ही लेके आ रहा हूँ। आप स्टेप बाई स्टेप मेरी वीडियो देखिए, जैसे कि मैंने स्किपिंग की वीडियो दी, उसके बाद अभी फ्रंट किक की वीडियो दी है, उसके बाद आई कॉन्टैक्ट की वीडियो दी, धीरे धीरे हम सारी किक्स की। और अगर आप भी किसी स्पेशल किक का ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए, मैं उसका ट्यूटोरियल दूंगा। और धीरे धीरे हम कराटे के सारे ट्यूटोरियल्स करने के बाद बॉक्सिंग के भी ट्यूटोरियल्स करने वाले, उसके बाद कलरी बैटर भी करने वाले। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ, अगर आप भी करना चाहते हैं अपनी बॉडी और अपने ब्रेन के साथ वो अपडेट एवरी डे, देन नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऋषभ सिंह आईएमए, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आपको ऐसे ट्यूटोरियल्स, ऐसी विजडम भरी पॉडकास्ट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं ऋषभ सिंह आईएमए पे। तो आप अपडेटेड रहिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और हमेशा फिटनेस से जुड़े रहिए और सीखते रहिए मेरे साथ, और मैं भी सीखता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम है ऋषभ सिंह तोमर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।